भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैच की T20 सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई है। 2-2 से बराबरी के बाद सीरीज का आखिरी मुकाबला बेंगलुरु में बारिश की वजह से रद्द हो गया। इस दौरान कमेंट्री पैनल में बैठे सुनील गावस्कर ने हार्दिक पांड्या के जज्बे की तारीफ की है। गावस्कर की नजर में पांड्या एक फाइटर है जिन्होंने अपने पिता के देहांत के बाद कमाल की वापसी की है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आखिरी T20 के दौरान गावस्कर ने कहा कि पांड्या के साथ हुई पर्सनल ट्रेजेडी के चलते वो एक बेहतर लीडर बन पाए हैं। उन्होंने कहा कि जब वो अपने पिता के बारे में बात करते हैं तो ये चीज दिखती भी है। सुनील गावस्कर ने बातचीत के दौरान कहा, ये कमाल की स्टोरी है। दोनों भाइयों ने थोड़े समय पहले ही अपने पिता को खोया है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। हमने हाल ही में फादर्स डे की तस्वीर में देखा कि वो अपने पिता से कितने करीब थे और किस तरह से उनके पिता ने उन्हें एक बेहतरीन क्रिकेटर बनने में मदद की थी। गावस्कर ने आगे कहा, इस तरह की मुश्किल से बाहर निकलना और फिर दोनों भाइयों का इस तरह से खेलना बहुत से लोगों को प्रेरित करेगा। कई बार ऐसी घटनाएं होंगी, लेकिन आपको ऐसी घटनाओं से आगे बढ़ना होता है अपने पिता के लिए, अपने प्यारों के लिए, जिससे कि वो लोग इसे देखकर खुश हो सके। गावस्कर ने आगे कहा कि जब भी ये दोनों भाई अच्छा करते हैं तो ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और अपने पिता को कहते हैं कि ये सब आपके लिए है। हार्दिक पांड्या ने T20 विश्व कप के लंबे वक्त के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में वापसी की थी। उन्होंने इस सीरीज में 4 मैच में तीसरे सबसे अधिक 117 रन बनाए। हार्दिक ने IPL 2022 में कमाल का प्रदर्शन किया और उसके चलते उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली है। इस सीजन IPL में हार्दिक गुजरात टाइटन टीम्स के कप्तान भी थे। उनकी कप्तानी में गुजरात ने पहली बार में ही खिताब जीत लिया। हार्दिक ने IPL के 15 मुकाबले में 487 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 8 विकेट अपने नाम किए थे। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी विपिन ने। आप हमें ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लर्नर टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।